टुडेज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजीज ऑफ हेडेक। हेडेक इज नॉट ए डिजीज, इट इज द सिम्टम्स ऑफ डिजीज सच एज गैस प्रॉब्लम, इंसोमिनिया, एंजाइटी एंड अदर्स मेटाबॉलिक डिजीज डिजॉर्डर। आज इस तनाव भरी जिंदगी में आज हेडेक जो है, सर दर्द जिसको हम लोग सर दर्द बोलते हैं, आज ये बहुत ही इसका प्रचलन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करने से या स्मोकिंग, अल्कोहल या गलत खान पान के जरिए यह लक्षण जो है अपने शरीर में लोग समाहित कर रहे हैं। हेडेक अगर देखा जाए तो यह बहुत ही, इसका परिणाम जो है बहुत ही भयंकर होता है। इससे बचने के लिए हम लोग को चाहिए कि नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, अच्छे खान पान और जितना हो सके टेंशन को हम लोग अवॉइड करें। आज हम लोग जिस तनाव भरी जिंदगी में जी रहे हैं उसमें सर दर्द जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग चाहें तो अपने से ही एक्यूप्रेशर के द्वारा, मर्म दाब योग के द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सुबह शाम खाली पेट ये इंडेक्स फिंगर और थम्स के टिप्स को अगर सिर्फ यहाँ पर सटा करके रखा जाए 10 से 15 मिनट तक, तो इसका जो परिणाम है सर दर्द में बहुत अच्छा आता है। दूसरा, इस थंब के जो ऊपर में जो टिप्स पॉइंट है, ऊपर का जो पॉइंट है, अगर इस पर 5 से 10 मिनट प्रेशर दे, इसे भी सर दर्द में जो है हेडेक में बहुत ही आराम मिलता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन जो है यहाँ पर दबाने से इन्हांस होता है, बढ़ता है, जो हेडेक में अच्छा काम करता है। अगर दोनों आंख के भौं के बीच में इस पॉइंट पर अगर प्रेशर दिया जाए, अगर दबाया जाए, तो इसका भी परिणाम सर दर्द में बहुत अच्छा आता है और हेडेक जो है दूर होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जिस कारण से हेडेक हो रहा है उसको दूर किया जाए। जैसे अनिद्रा की बीमारी है, अनिद्रा को दूर किया जाए। गैस प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो ये तमाम, जैसे एक पॉइंट ये है, ये अगर यहां पर इस पॉइंट, प्रेशर पॉइंट पर अगर प्रेशर दिया जाए तो यह भी गैस प्रॉब्लम में, अनिद्रा में, इंसोमिनिया में इसका परिणाम अच्छा होता है, जिससे सर दर्द इससे भी दूर होता है।